चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से रिजल्ट देखेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास है तो उससे भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो भी हम इस वीडियो आपको बताएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन संख्या को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्योंकि DDMMYYYY के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, पंजीकरण संख्या यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और दाखिल करना है। बाई चांस अगर आपका रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं, आप भूल गए हैं, आप ईमेल आई डी से डिलीट हो गया है, मोबाइल में मैसेज से डिलीट हो गया है, कहीं पर भी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे एक वेबसाइट, ये उसकी ऑफिशियल साइट है, वहीं पे एक लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला। उस केस में यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण संख्या भूल गए हैं का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर, दो में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के पंजीकरण संख्या प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन संख्या इसकी मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन संख्या नीचे लिखी गई है, आधार नंबर ऊपर है, उसके ऊपर मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए आपको रिजल्ट दिखाते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर DVPST लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तो यहाँ पर कुछ दूसरा लिख के आएगा, उसको भी आपको दिखा देते हैं हम। अब दोस्तों यदि आप शॉर्टलिस्ट नहीं रहेंगे दिखाएगा, सॉरी यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर DVPST। अब अगर आप लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कैंडिडेट लिस्ट फॉर DVPST पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपके सामने यहाँ पे पंजीकरण आरोही क्रम में लिस्ट दी गई है। देखिए यहाँ पे 001 से शुरू है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट तक पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका है 14 से शुरू है, तो 14 वाली सीरीज में यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। अगर आप सबको करना चाहते हैं तो लास्ट वाली जहाँ पे जो दिया गया है लिस्ट कैंडिडेट आल, इस पर क्लिक करेंगे, तो 14 वाले पे हम क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड हो रही है। इसे ओपन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट दी गई है, सेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर यहाँ दिया गया है, ठीक। तो अगर आपका रोल नंबर, मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने बता ही दिया, अगर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आप इस लिस्ट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन संख्या ऑर्डर करके, ठीक। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, टोटल 486 पेज में टोटल रिजल्ट ये दिया गया है। बाकी डीवी के लिए अलग से फिर से वीडियो अपलोड की जाएगी, अलग से नोटिस भी आएगी कब आपका होगा, ये तो फिलहाल डेट दिया गया है कब होगा, वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कब होने वाला है आपका जो डीवी है, वो DVPST होगा माह दिसंबर के तिथि सप्ताह में, और उसके बाद आपका PET होगा जनवरी के तिथि सप्ताह में, ठीक। तो तब तक अपनी आप फिजिकल की तैयारी कर चालू कर दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से आप तैयार करके रख लीजिए। बाकी दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, चूँकि निराश होने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो अगले एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए। मिलते हैं इस वीडियो में, अभी बहुत सारे एग्जाम है SSC GD और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम, उसमें आप लग जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।